हेलो स्टूडेंट्स, माई सेल्फ दिव्यांश। तो आज हम डिस्कस करेंगे चैप्टर नंबर 13, इलेक्ट्रिसिटी एंड सर्किट्स, क्लास 6। सो फर्स्ट ऑफ ऑल हम इसमें डिस्कस करेंगे बेटा इलेक्ट्रिसिटी। व्हाट इज़ इलेक्ट्रिसिटी? आप जनरली जानते हो हमारी नॉर्मल लाइफ में इलेक्ट्रिसिटी की कितनी नीड होती है। तो इलेक्ट्रिसिटी बेसिकली क्या है? फ्लो ऑफ चार्ज पर यूनिट टाइम, है ना। किसी भी मेटल्स में, कोई भी, जनरली हमारे जितने भी मेटल्स होते हैं उनमें इलेक्ट्रिसिटी ईजिली पास हो जाती है। तो जो उनमें फ्लो ऑफ चार्ज, जो उनमें फ्री नंबर्स ऑफ इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, उनकी वजह से इलेक्ट्रिसिटी पास होती है। ओके, तो इलेक्ट्रिसिटी की वजह से ही कोई भी बल्ब होगा, टॉर्च होगा, वो क्या करती है बेटा? ग्लो करती है, जो कि हमें क्या, लाइट प्रोवाइड कराती है, जिससे हम किसी भी चीज़ को देख सकते हैं। ओके, सो इलेक्ट्रिसिटी को मेजर करने का, एक इंस्ट्रूमेंट होता है जिसे बोलते हैं हम एमीटर। ओके, नाउ फिर हम डिस्कस करेंगे सोर्सेज ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। इलेक्ट्रिसिटी के सोर्सेज क्या है? बेसिकली हम जानते हैं इलेक्ट्रिसिटी बनाने के बहुत सारे डैम से इलेक्ट्रिसिटी क्रिएट की जाती है ना, विंड से भी इलेक्ट्रिसिटी क्रिएट की जाती है, और सोलर पैनल्स आजकल लगाए जाते हैं, है ना, रूफ के ऊपर, उनसे भी इलेक्ट्रिसिटी क्रिएट की जाती है। तो ये सब सोर्सेज ऑफ इलेक्ट्रिसिटी है। नाउ नेक्स्ट हम डिस्कस करेंगे इलेक्ट्रिक सेल के बारे में। इलेक्ट्रिक सेल क्या होते हैं बेटा? एन इलेक्ट्रिक सेल इज़ ए डिवाइस विच इज़ यूज्ड फॉर सोर्स ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। इलेक्ट्रिक सेल छोटे डिवाइस होते हैं जो जो इलेक्ट्रिसिटी के लिए यूज़ किए जाते हैं। आपने सेल जनरली देखा होगा सभी ने, है ना। इसमें क्या होता है, एक पॉजिटिव टर्मिनल होता है और एक नेगेटिव टर्मिनल होता है। और जब हम ये सेल टू और मोर देन टू को एक साथ कनेक्ट कर देते हैं, एक साथ एडजस्ट कर देते हैं, तो ये सेल क्या हो जाते हैं, इन्हें कॉम्बिनेशन ऑफ मोर देन वन टू सेल इज कॉल्ड बैटरी। तो हम इसको बैटरी बोल देते हैं। तो सेल बेटा दो टाइप के होते हैं, एक होता है प्राइमरी सेल, एक होता है सेकेंडरी सेल। प्राइमरी सेल ऐसे सेल होते हैं जो जिन्हें हम चार्ज नहीं कर सकते। ओके, जिन्हें हम चार्ज नहीं कर सकते, जैसे कि जो हमारी वॉल वॉच होती है, वॉल क्लॉक होती है, उसमें जो सेल डलता है, रिमोट होता है जो उसमें जो सेल डलता है, आपने देखा होगा क्या, जब हम उसे एक बार यूज़ कर लेते हैं तो चार्ज करके दोबारा से न्यू नहीं कर सकते ना, है ना। तो ऐसे सेल जिन्हें हम चार्ज नहीं कर सकते उन्हें हम प्राइमरी सेल बोलते हैं। ओके, सेकेंडरी सेल ऐसे सेल होते हैं जिन्हें हम चार्ज कर सकते हैं, जैसे हमारे घरों में बैटरीज होती हैं, है ना, इन्वर्टर की हेल्प से हम उनको चार्ज कर लेते हैं ना। तो ऐसे सेल जिन्हें हम चार्ज कर लेते हैं उन्हें क्या बोलते हैं, सेकेंडरी सेल बोलते हैं। जैसे सोलर पैनल हो गया बेटा, सोलर पैनल एक तरह का सेकेंडरी सेल है। क्यों? क्योंकि हम उसे दोबारा से उसे किससे, वो सन की लाइट से चार्ज होता रहेगा ना डेली बेसिस पे, तो सोलर पैनल हो गया, है ना। इसके बाद हम डिस्कस करेंगे स्विच के बारे में। स्विच आप सभी ने देखा होगा जनरली क्या होता है, आपके सभी के घरों में एक सर्किट होगा। सर्किट में क्या होगा बेटा? स्विच होगा, ठीक है। स्विच में देखो क्या होता है, स्विच किस चीज़ पर वर्क करता है? स्विच किसी भी गैजेट्स को या फिर किसी भी सर्किट को ऑन या ऑफ होने का वर्क करता है। कोई भी चीज़ को ऑन करना हो तो हम स्विच की हेल्प लेंगे, किसी भी चीज़ को ऑफ करना हो तो हम स्विच का हेल्प लेंगे। ओके, स्विच का ये सिंबल भी आपको दिखाया गया है। ओके, नाउ अब हम डिस्कस करेंगे क्लोज्ड सर्किट के बारे में और किसके, और ओपन सर्किट के बारे में। आपको पता है कोई भी सर्किट क्लोज सर्किट कब होगा? जब उसका नेगेटिव टर्मिनल है जो वो एक तरह से पॉजिटिव टर्मिनल के साथ जाकर कनेक्ट होगा। ओके, इफ देयर इज नो ब्रेक एनीवेयर इन द सर्किट दिस इज कॉल्ड क्लोज। अगर वो सर्किट में कोई भी ब्रेक नहीं है, जैसे कि आप फिगर नंबर बी में देख सकते हो, इसका जो नेगेटिव टर्मिनल है वो बल्ब से अटैच होकर, बल्ब से दूसरा वायर अटैच होकर पॉजिटिव टर्मिनल के साथ अटैच हुआ है, तो इसमें ब्रेक नहीं है, मतलब ये कि कहीं से वायर हटा हुआ नहीं है, तो इसलिए क्लोज सर्किट होगा। और ऐसा सर्किट जो बेटा क्लोज्ड नहीं होगा, मतलब कि जो सर्किट एक तरह से उसका पाथ कंटिन्यूस नहीं होगा, मतलब अटैच नहीं होगा, जैसे कि फिगर नंबर 1 में दिखाया गया है, तो ऐसा सर्किट कौन सा सर्किट होगा? ऐसा सर्किट ओपन सर्किट होगा, जैसे कि फिगर नंबर ए में दिखाया गया है, ठीक है। नाउ नेक्स्ट हम डिस्कस करेंगे, इंपॉर्टेंट टॉपिक है नेक्स्ट, कंडक्टर्स एंड इंसुलेटर्स। कंडक्टर्स बेटा ऐसे मटेरियल होते हैं जिनमें से इलेक्ट्रिसिटी ईजिली पास हो सकती है। जैसे हमारे जितने मेटल हो गए भाई, जो हमारे एल्यूमिनियम है, कॉपर है ना, आयरन है, सिल्वर है, ये सब गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी है, मतलब इनमें से ईजिली इलेक्ट्रिसिटी जो है वो फ्लो कर सकती है। सबसे अच्छा कंडक्टर जो होता है सिल्वर को माना जाता है बेटा, सिल्वर सबसे बेस्ट कंडक्टर है। ओके, नाउ इंसुलेटर क्या होता है? इंसुलेटर बेटा वे होते हैं जिनमें से इलेक्ट्रिसिटी ईजिली फ्लो नहीं कर सकती, जैसे हमारा वुड हो गया, हमारी प्लास्टिक हो गई, है ना, ये सब इंसुलेटर है जिनमें से इलेक्ट्रिसिटी पास नहीं हो सकती बिल्कुल भी, है ना। एक चीज़ याद रखना, जितने भी
हमारे मेटल्स होते हैं ना, वे ऑलमोस्ट सभी मेटल्स जो होते हैं वो गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी होते हैं, बट एक अकेला ग्रेफाइट जो होता है, जो हमारा पेंसिल का लेड होता है ना, पेंसिल का सिक्का होता है जो लेड होता है, वो नॉन मेटल होता है, उसे बोलते हैं हम ग्रेफाइट। ग्रेफाइट अकेला नॉन मेटल ऐसा है जो इलेक्ट्रिसिटी का कंडक्टर है। ओके सो स्टूडेंट्स, हमने जो भी इस चैप्टर में टॉपिक डिस्कस किया है, आई जस्ट होप यू विल बी अंडरस्टैंड दिस। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।